एक आदर्श जीवन जीना है। वैद्य का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली इस अर्थ में नहीं कि उसको बन ठन के रहना है, कि मेकअप करके रहना है, कि इस अर्थ में कि व्यक्ति वैद्य का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, उसमें सौम्यता, शालीनता, सात्विकता, जो सदवृत्त कहा है ना, असदवृत्त को बहुत खराब कहा है आयुर्वेद में, सदवृत्त वाला वैद्य होना चाहिए, सात्विक चेतना वाला। सबके डील डोल हाव भाव चेहरा मोहरा नख सब अलग होंगे, लेकिन वैद्य के भीतर वो शालीन तो होनी चाहिए। और आप तो इस युग में पतंजलि योगपीठ का, स्वामी रामदेव का, आचार्य भाष्य जी का, अपनी ऋषि परंपरा का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो इसको आप जितनी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे उतना ही ये कार्य यशस्वी होगा। और अभी हम सॉफ्टवेयर में भी इस तरह का प्रोविज़न करा रहे हैं कि आपको चार चीज़ें लिखनी कंपलसरी, फिर उसको चेकिंग करेंगे। देखो, आदमी चेक एंड बैलेंस नहीं होता है ना, तो आदमी प्रमाद कर देता है, ये पता नहीं क्या मार रहा। बहुत जागरूक हों तो भी 2-4-5% तो प्रमाद कर ही देते हैं, ये हमारा फ़र्ज है ना। अच्छा बताओ, मेरे को कौन चेक कर रहा है भाई? मैं क्यों अपने कार्य को अधिकतम प्रामाणिकता से करता हूँ? कल जो किया उससे और अधिक प्रामाणिकता से मैं करूँ। तो आपके सॉफ्टवेयर में भी प्रोविजन होंगे कि आपको चार प्रकार का ट्रीटमेंट उसको लिखना अनिवार्य होगा। और अब जैसे खान पान में खाली पथ्यापथ्य ही नहीं है, उपवास भी उसका उसी का हिस्सा है, वो ज़रूरी है। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और ये सब सॉफ्टवेयर का चल रहा था, क्या हुआ? नहीं, यहाँ तो चल रहा है अपने चिकित्सालयों का, चिकित्सालयों का भी हमारी वहाँ हाँ। पे भी होना पहले, यहाँ पर एक बार अभी 2 महीने हुए हमारा। कहाँ 2 महीने, तो शुरू से ही चल रहा है यहाँ तो। नहीं, EMR था ना, वही EMR इनके यहाँ चल रहा है, अब चेंज हुआ है HMS वाला, उसमें ये चीज़ें हमारे, उसमें ये सब चीज़ें, तो वो इनको चार आयाम आपको पूरा। अब ये ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो अभी इनकी ट्रेनिंग करवा दो ना। ये छोटी छोटी चीज़ें इनको देखो, छोटे छोटे करेक्शन करके हमने अपने उपचार को इस लेवल पर आज ले आए हैं। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा लोगों को चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आज हम इस लेवल पर लेके आए हैं कि यहाँ पर आने वाले पेशेंट 99 से लेकर के 100% संतुष्ट होकर के जाते हैं। यही कार्य मैं आपके पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और मेगा स्टोर्स में देखना चाहता हूँ, और मैं आश्वस्त हूँ कि आप ऐसा करेंगे।